नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको लिए चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के छोटे से टाइप में, जिसमें आज की वीडियो में हम एक टाइप स्पेशल टाइप जो हर बार पेपर में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं उस टॉपिक पर, तो उसी टॉपिक से दो टाइप आपको उठाए गए हैं जिसमें से हम चार क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको कराएंगे। तो चलिए जुड़िए जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे आप सब लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं, जहां ब्याज पर भी ब्याज लगे, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे, हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा हुआ है कि कोई धनराशि किसी दर से छः वर्ष में आठ गुना हो जाती है। शॉर्ट में लिखूँगा लैंग्वेज, आप सुनने की ज़्यादा कोशिश करें। यानी कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि सेम दर से कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। पूछा क्या गया है, कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो लगता है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई धनराशि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, कितने समय में वो है 16 गुना हो जाएगी। आपकी राशि भी वही है और आपका इंटरेस्ट रेट भी वही है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, 8 गुना सॉल्यूशन देखिए इसका, 8 गुना इसको आप बेस पावर में तोड़िए, 2 की पावर 3 और कितना 6 ईयर, ध्यान दें। नेक्स्ट आपको चाहिए 16 गुना, तो 16 गुना को भी अगर आप बेस पावर में बनाएँ तो ये 2 की पावर 4, अब ध्यान दें, और आपको चाहिए ईयर, तो क्या करते हैं आप इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसके पावर से आप कर देते हैं डिवाइड। समझ आया ना, इसके गुने की पावर, जो पावर आपने कन्वर्ट की है उसकी और पहले वाले ईयर की मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई पहली पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम कितने साल में, 8 ईयर में वो 16 गुना हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, सेम एज अगर आप ये आपसे यही पूछा जाए कि दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पर आपसे पूछ रहे हैं, तो देखिए जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता था वो 6 वर्ष में 2 गुना होता था, तो फिर आपको वो पावर वन मिलती थी तो आप उसको सीधा सीधा कर देते थे, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होकर वो दोनों को बेस पावर में पूछ लेता है, और जब दोनों को बेस पावर में पूछता है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को आप विशेष ध्यान दें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो पेपर में आपको पूछे गए रेलवे और एसएससी ने कंटिन्यूसली पूछा है, उन्होंने कहा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, 12 वर्ष में कितना हो जाता है 9 गुना हो जाता है, तो वह उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए 9 गुना को सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, 9 गुना को आप 3 की पावर 2 में सेम बेस में और कितने 12 साल 12 ईयर, आपको 81 गुना है, इसको भी आप बेस पावर में 3 की पावर 4, तो कितना इन दोनों की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 कितना 24 ईयर। तो ये आप क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि किस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जो आजकल इसी का एक मॉडरेट फॉर्म है, उसको भी हम पूछ लेते हैं। चलिए जुड़िए स्टूडेंट, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा सीखिए, कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी इतना हार्ड है, और मैं 1 बाई 1 शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करके आपको 1 बाई 1 क्वेश्चंस को कराएंगे, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ध्यान देना, इस बार वो थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, तब वह आठ वर्षों में नंबर एक कितने गुना हो जाएगा, और नंबर दो, एक ही में दो पूछ लेता हूँ, कितना हो जाएगा। देखिए अगर कितना गुना हो जाए वो एक अलग है और कितना हो जाएगा वो एक अलग क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन एक ही में समाहित कर रहे हैं हम,
1200 रुपये को 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तब वह 8 वर्षों में कितना होगा? तो सिंपल सा समझिए कि जिसको वो कह रहा है 8 वर्षों को आप पहले वाले वर्षों में कन्वर्ट करिए। पहला वाला वर्ष है 2 गुना 4, पहले वाले वर्ष में ऐसे लिख लीजिए 2 वर्ष गुना 4। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जो आपको लास्ट वाला दे रखा है उसको फर्स्ट में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। अब बचा आपका क्या, 4 बचा, तो पहले का आंसर देते समय गुना जो होगा वो कितना होगा, देखिए जरा, 3 गुना हुआ है और इस 4 कांस्टेंट राशि से इसको पावर में ले लीजिए, कितने पर जितना वो गुना उसने पहली बार में कहा। बहुत सिंपल है, मैसेज ही कुछ नहीं, मैं कहता हूँ आपको मैसेज ही कुछ नहीं। 3 गुना को आपने किस कांस्टेंट राशि के साथ पावरेट किया, जो आपने जिसको कन्वर्ट किया था आपको आपने वर्षों में, तो 3 की पावर 4 को कितना लिख देंगे, 81, यानी आपका जो धन था वो 81 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड को कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपये था भाई, 81 गुना हो गया, गुना कर दीजिए आप, जो भी आंसर आएगा आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कमेंट सेशन बता दीजिए, गुना कर दीजिए, 0000 सबको आती है ना गुना करनी, या हमें करनी है, चलिए देख लीजिए आप अपने हिसाब से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन किया जाता है, इसी का बेस बिल्कुल एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से उसका आंसर देंगे, चलिए जल्दी से। तो उन्होंने क्वेश्चन जो पेपर में पूछा वो देखिए ज़रा, उन्होंने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया, कितना रुपया, 400 रुपये, सिंबॉलिक रूप रुपये का लिख देते हैं, 400 रुपये 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है स्टूडेंट, 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि यह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, यह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो सीधी सी बात है, आपको जो दिया हुआ हो उसको पहले वाले वर्षों में कन्वर्ट करिए, 6 वर्ष बराबर कितना, 3 वर्ष गुना 2, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, पावरेट कर दीजिए। तो गुना आपको पूछना है कितने गुना, तो 4 की पावर कितना 2, क्योंकि आपका 4 गुना हुआ था, पावर 2 कर दीजिए, 4 की पावर 2 का मतलब 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना होगा, धन पूछा है कितना हो जाएगा, धन था आपका 400 रुपये, तो धन जो हो जाएगा 400 रुपये था, 16 गुना हो गया, 16000, 64 सौ रुपये वो धन आपका हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, और मैं कहता हूँ रोजाना उठ के आप बोलिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइए और कहिए मैसेज कुछ नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको 1x1 आपको पूरा कंपटीशन मैथ कराया जाएगा, आप बस कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ड्रीम जॉब पाइए। धन्यवाद।